खैरियत कहाँ? खैरियत के पेट में रुकावट का दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है पेट में। हेलो हेलो शहरयार साहब, मैं बहुत माजरत चाहती हूँ, वो दुआ की तबीयत खराब हो गई है, मैं नहीं आ सकती अभी। जनाब हमने तो आपको पहले ही समझा दिया था, इश्क के समंदर में जरा सोच समझ के कूदना, अभी भी वक्त है, लौट आओ, मेरी बात मान जाओ। अब बहुत देर हो चुकी है और अब तो हम जज्बात की उस गहराई में हैं जहां से किसी भी साहिल किसी भी किनारे तक रसाई मुमकिन नहीं। क्या कह रहे हैं साहब जी, हड्डियां चबाने से क्या हुए? लो मुर्गी में क्या होता है, असल चीज तो हड्डियां होती है, क्या उम्दा गूदा होता है। आहा अम्मा भी, आपकी इन्हीं बातों ने ना शह दे रखी है उन्हें। क्या खूब खिदमत है खल्के, वाह वाह वाह। अपना घर अपने घर वाले इग्नोर हो रहे हैं और चलिए दूसरों के घर आबाद करने, दूसरों के बच्चे संभालने। लेकिन बाबा मेरा कसूर क्या है? ओहो तुम कसूर पूछ रही हो? एक तो तुम उस ऑक्टोपस के साथ मिलकर भलाई के लिए काम कर रही हो, ये बताओ वही तुम्हें वैम्पायर मिला था खून चूसने के लिए, क्या तुम ब्लड बैंक हो? दिल में इतना एहतराम है उसका कि वो कहते हैं ना कि इजहार के तमाम अल्फाज लबों की सरहद पर अपने वजूद को बेचते हैं। चाहे एक पल का भी फर्क हो, फर्क तो कहलाता है ना। ये जो उम्रों के फर्क होते हैं ना, ये सिर्फ सरकारी ओहदों में देखे जाते हैं, जज्बों की मुसाफत में फर्क चाहे एक लम्हे का हो चाहे एक सदी का हो, वो कोई फर्क नहीं होता। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अब आप ऐसे कीजिए कि रिसीवर को रखिए और जल्दी से तैयार होकर आ जाइए। ऐसी भी क्या जल्दी है, खैरियत तो है? ये तो खैर आपको आने के बाद ही पता चलेगा। और सुनिए, बहुत ही अच्छा ड्रेस पहन के आइएगा। अच्छे ड्रेस में कोई खास बात है क्या? कम ऑन अंजला, आप सवालात में वक्त जाया ना कीजिए, क्यों किस लिए चूंकि चुनाचे, आप जल्दी से तैयार हो के जाइए। ठीक है। बहुत तेरी ये मजाल, क्या हो गया मभी? मेरे बेटा माफ करना, वो कमबख्त अशरफ है ना, वो मुझे इसी तरह डरा देता है। अम्मा भी, वो शहरयार साहब है ना? हाँ, है? क्या वो उन्हें? वो अम्मा भी, उन्होंने मुझे एक काम से बुलाया है, चली जाओ। हाँ बेटा चली जाओ, लेकिन जरा जल्दी आना, तो मुझे दिखाओ तो सही तुमने पहना क्या, तैयार हो गई अच्छी तरह? वो अम्मा भी, दुआ को हरगिज ना पता चले कि मैं कहाँ गई हूँ, ठीक है? वाओ अंजी, कितनी खूबसूरत लग रही हैं आप। वाह भाई, ये बनाओ सिंगार, ये फीकी मुस्कान, आखिर किसके कत्ल के इरादे? शर्म बनाओ नहीं मुझे। वो मैं मिसेस एहसान क्या जा रही हूँ। मिसेस एहसान, ठीक है मैं भी चलती हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम क्या करोगी बड़ों में जाके? मैं जल्दी आ जाऊंगी। और देखो अम्मा को बिल्कुल तंग मत करना और बाबा को भी फोन मत करना, ठीक है? ठीक है, आप अपनी नजर जरूर उतार लीजिएगा। ओके बाय। ओके बाय। अम्मा भी, अंजी कितनी प्यारी लग रही थी ना। बहुत प्यारी माशाल्लाह। हैप्पी बर्थडे टू यू, happy birthday to you, happy birthday dear Shehryar, happy birthday to you, may you have many more. आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आपकी बर्थडे? मैं क्या बताता आपको, वैसे भी इस उम्र में इस किस्म के बखेड़े अच्छे नहीं लगते। अगर आप मुझे बता देते तो मैं आपके लिए कोई गिफ्ट ले आती। खैर गिफ्ट तो आप अभी दे सकती हैं।
एक ऐसा गिफ्ट जो मेरी जिंदगी की अनमोल खुशी बन जाए। मैं समझी नहीं। आपको पता है शहरयार साहब, किसी लड़की को रिंग देने का क्या मतलब होता है? जी हाँ, मैं अच्छी तरह समझता हूँ और यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। Would you marry me? Would you? आप तो ऐसे हैरान हो रही हैं जैसे मैंने कोई बहुत ही अनहोनी बात कर दी। नहीं शहरयार साहब, ऐसी तो कोई बात नहीं। फिर कैसी बात है? नहीं शहरयार साहब, ये कोई अनहोनी बात नहीं है, बल्कि I think it's too soon for me. I think it's not too soon. We are not teenagers. I think we are getting late. नहीं, मैं एज के हवाले से बात नहीं कर रही। मेरा मतलब है कि मैंने अभी किसी को बताया भी नहीं है, बाबा और बाकी सारे लोग। अरे आप परेशान क्यों हो रही हैं? आप बता दीजिएगा, आपके पास बहुत टाइम है। देखिए शहरयार साहब, हर बात का एक वक्त होता है और आपको कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा। आप एक मरतबा हाँ तो कहें, आपके लिए सारी जिंदगी इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। चलिए ऐसे करते हैं, कहीं कहीं बाहर चलते हैं।
आप में से शहरयार कौन है? जी मैम। आपका ब्लड ग्रुप पेशेंट के ब्लड ग्रुप से मैच हो गया, आप आए मेरे साथ। डॉक्टर होने के साथ साथ एक इंसान भी है मैडम। अच्छा अच्छा हुआ जो मुझे पता चल गया, वरना तुम ना बताते तो मुझे तो मालूम ही ना होता। आपको तो ये भी नहीं मालूम कि इस इंसान के सीने में एक दिल भी है, और इस दिल में आप। एक्सक्यूज मी, मिस अंजला आपसे शहजाद साहब मिलने आए। ये मैं दुआ के लिए लाया था। आपने जो एहसान मुझ पर किया है उसका बदला मैं सारी उम्र भी नहीं चुका सकता। दलील कर लीजिए आप, और दलील कर लीजिए। अरे मैंने कोई एहसान वैसा नहीं किया, कैसी रस्मी गुफ्तगू कर रही हैं आप। दुआ तो आपकी बहन है, अगर कोई गैर भी होता ना तो मैं उसके लिए अपना खून दे देता। अगर आपको शुक्र गुजारी होना है तो ऊपर वाले का आप शुक्र अदा कीजिए, जो जरा सी भी कुर्बानी जरा सी भी नेकी गुजारी नहीं करता। खुदा का शुक्र तो कभी अदा हो ही नहीं सकता। सही कह रही हूँ। दुआ किसी? अल्लाह का शुक्र है अब तो बेहतर है। सलाम का जवाब देना मुसलमान पे फर्ज है। वैसे वालेकुम सलाम। खफा है कि मैं इतने रोज तक नहीं आया। जी नहीं, यहाँ तो आने जाने वालों का मेला लगा रहता है, क्या पता चलता है कि कौन आया कौन गया। मोहतरमा, वैसे अपनी अहमियत जताने का नहायत ही भोंडा तरीका अख्तियार किया है आपने। क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब है कि अपने चाहने वालों की चाहत को आजमाने का और अपने गिर्द लोगों के हुजूम को जमा करने का इंतहाई भोंडा तरीका अख्तियार किया आपने। बैठे बैठे जा टकराई कार से, एक वो बेचारी कार का नुकसान अलग हुआ, और अगर कहीं खुद फौत फात हो जाती तो मुझ जैसे शरीफ आदमी को झूठ बोलना पड़ता कि मरहूमा बहुत अच्छी थी, दोस्त नवाज, मिलनसार वगैरह वगैरह। ये आप मेरी इयादत करने आए या बब्बारी करने? मोहतरमा, मेरी खैर सगाली के जज्बात पर अपनी सर्द मोहरी का पहला हमला आपकी तरफ से हुआ था। अब मैं कोई निहत्ता तो नहीं हूँ आखिर जवाब ना देता, पाकिस्तानी नौजवान हूँ आखिर, कोई मखलौल तो नहीं हूँ। आप इंतहाई फजूल आदमी हैं, मैं पापा से शिकायत करूंगी। कमजोर और बुजदिल इंसानों की तमाम खसूसियात हैं आप में। मैं बाबा से शिकायत करूंगी। एनीवे, कैसे हैं? कौन? आपके जख्म कच्चे हैं। बिल्कुल आपकी अकल पे गए, शरीर कहीं के। फराज, अंजला, मैं आपसे मिलने से पहले एक आवारा तना बादल की तरह था जो बेमंजिल ही आसमान पर घूमा फिरा करता था, और अब
मंजिल मिल गई है क्या? नहीं, खैर मंजिल मिली तो नहीं है, लेकिन नजर जरूर आ गई है। खुदा करे मिल जाए। ये आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? आप घबराएं नहीं, मैं आपको कहीं किडनैप करके लेके नहीं जा रहा हूँ, वरना वो आपकी खूंखार जो बहन है ना, मुझे पंजे मार मार कर कत्ल कर देगी। शरिया साहब, अब ऐसी भी कोई बात नहीं, she really loves me। खैर मोहब्बत तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? हम तो जैसे हैं सो हैं, लेकिन आपको देख के कुछ लगता है कि शहरयार से तारुफ में आपकी कुछ कमी रहेगी। एनीवे, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आप इनके दोस्त हैं तो यकीनन आप भी अच्छे ही होंगे। ओहो, इनके अगर हम दोस्त हैं तो हम अच्छे हैं, अदरवाइज हम इतने बुरे तो नहीं। मेरे ख्याल है हमें चलना चाहिए। मान लिया अंजला कि शहरयार साहब एक अच्छे बंदे, लेकिन फिर भी उनका यूं हॉस्पिटल के चार्जेस पे कर देना हम दोनों को अच्छा नहीं लगा, और बाबा तो शरीफ गुस्से में। और वो जो है ना आपकी मौसूफा दुआ बेगम साहिबा, उनको पता चलेगा तो हमारी जिंदगी अजाब कर देंगे। तुम दोनों बस बिला वजह बोले चले जा रहे हो, मुझे तो यकीन जानो तुम दोनों से ही पता चला है कि शहरयार साहब ने हॉस्पिटल के चार्जेस पे कर दिए। जरा बाहर शहर में जाके देखिए जो पोस्टर लगे हुए हैं। कब बड़ी होगी तुम? हो जाएंगी बड़े भाई कभी ना कभी, जल्दी क्या है। सही कह रहे हो मंजर भाई, तुम दोनों खामखा की बात कर रहे हो। वो शहरयार साहब एक अच्छे और मखलस इंसान है, इसमें माइंड करने की क्या बात है? बिला वजह तुम लोगों ने बात का इशू बना दिया है। बिला वजह बात का इशू बना दिया है, और वो जो है ना शहरयार साहब जैसे लोग, उनको तो खामखा छा जाने का शौक होता है। बिला वजह तो नहीं कर रहे? बेटा, मैंने तुम्हें जन्म तो नहीं दिया, लेकिन पाला तो है ना। मैं तुम्हारी पालन माँ हूँ, और माँ तो माँ ही होती है ना। माँ की नजर औलाद के दिल को झांक लेती है। वैसे भी चांद पर बादल आ जाए तो चांद धुंधला जाता है ना। तुम मुझे बताओ बात क्या है? हम अभी आप तो सब कुछ जानती हैं, मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? मैंने तो कभी ऐसा नहीं चाहा था, कभी ऐसा नहीं सोचा था कि कोई शख्स ऐसा भी होगा जो दुआ के मद्दे मुकाबले आ खड़ा होगा। वो मुझको मुझसे मांग लेगा, और मैं चाहते हुए भी उसे अपना आप सौंप नहीं सकूंगी। अम्मा भी, ये बीच की कैफियत बड़ी अजियतनाक है, ये रेजा रेजा कर देगी मुझे। अम्मा भी, मैंने कब ऐसा सोचा था, कब ऐसा चाहा था मैंने? अम्मा भी, तुम चाहती क्या हो? अम्मा भी, आप तो सब कुछ जानती हैं, मेरे दिल के आईने में तस्वीर देख रही हैं, फिर क्यों पूछती हैं? मैं तुम्हारे इतराफ लफ्जों की ढाल खड़ी करना चाहती हूँ, ताकि तुम्हारी मरहूमी उस ढाल को हटा ना सके। हाँ मम्मी, मुझे नहीं मालूम था कि मोहब्बत दर्द की तरह दिल में जन्म लेती है और खुशबू की तरह फैल जाती है। शहरयार उस दर्द का उनवान है। अम्मा भी, शहरयार के बगैर जिंदगी मुझे अब अधूरी लगती है। तो आप उसे क्यों इतनी नफरत करती है, मेरी समझ में नहीं आता। बेटा, दुआ तुम्हारी शादी के खिलाफ नहीं है, वो सिर्फ शहरयार के खिलाफ है। तुम उससे शादी ना करो, किसी और से कर लो। क्यों अम्मा, क्यों? आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है? इसी दिन के लिए तो कहा करती थी कि अपने और दुआ के दरमियान एक फासला रखो, ताकि कोई तीसरा भी आ सके। अम्मा, मैंने कब ऐसा सोचा था कि शहरयार मेरी जिंदगी में आएगा और मैं और लड़कियों की तरह दिल के हाथों मजबूर हो जाऊंगी? मोहब्बत और दिल आजाद पंछी की तरह होते हैं, उम्र वक्त की कैद को कबूल नहीं करते। मैं
क्या करूं अम्मा, क्या करूं मैं तो दुआ और शहरयार की मोहब्बत के बीच में फंस गई हूँ।